Hello everyone. Today in this video, we will learn everything about edema, what is edema, its types and pathophysiology. So let's start. Edema is a swelling caused by excessive accumulation of fluid in the tissues. टिश्यूज में अगर फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इडिमा कहते हैं। कहाँ पर? इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इडिमा कहते हैं। ये हमारी ब्लड कैपिलरी है और ये हमारी टिश्यूज़ है जिन्हें हमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना है। तो ये कैपिलरी इसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करेगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। लेकिन अगर किसी कारणवश यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए इन दिस इंटरस्टिशियल स्पेस तो हम इसे क्या कहेंगे, इडिमा कहेंगे। नाउ सेकंड इज टाइप्स ऑफ इडिमा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। फर्स्ट इज जनरलाइज इडिमा एंड लोकलाइज इडिमा। जनरलाइज मतलब जो कि पूरी बॉडी में हमें देखने को मिले, और लोकलाइज मतलब जो कि स्पेसिफिक एरियाज में देखने को मिले, जैसे कि एब्डोमेन, लंग्स और हमारे एक्सट्रीमिटीज में, जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर में हमारे फुट में इडिमा हो जाता है, लेग्स में इडिमा हो जाता है। तो ये सब किसके टाइप्स में आ जाएंगे, लोकलाइज इडिमा के टाइप्स में आ जाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिक एरिया में देखने को मिल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फाइंडिंग इडिमा इज ऑफ टू टाइप्स, पीटिंग इडिमा एंड नॉन पीटिंग। मतलब अगर हम पार्ट के ऊपर प्रेशर लगा रहे और अगर वहाँ डिप्रेशन फॉर्म हो गया तो हम उसे क्या कहेंगे, पीटिंग इडिमा कहेंगे। अगर डिप्रेशन नहीं फॉर्म होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन पीटिंग इडिमा कहेंगे। थर्ड क्लासिफिकेशन इज इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। जब सेल के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तो उसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर इडिमा, और सेल के बाहर जब हो जाए तो हम कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर इडिमा। इंट्रासेलुलर इडिमा के कंडीशंस जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, पुअर मेटाबॉलिज्म और इंफ्लामेशन ऑफ टिश्यूज अगर है तो इन सब कंडीशन में हमें इंट्रासेलुलर इडिमा देखने को मिलेगा। माल न्यूट्रिशन जैसे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे टिश्यूज़ को प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी और जो फ्लूइड है वो सेल के अंदर आ जाएगा। पुअर मेटाबॉलिज्म में भी सेम, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही है सेल्स को तो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और जो टिश्यू का जो फ्लूइड है वो सेल के अंदर आ जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर में देखा जाए तो दो कॉजेस है, या तो एबनॉर्मल लीकेज हो रहा है फ्लूइड का फ्रॉम कैपिलरी टू इंटरस्टिशियल स्पेस में। मतलब ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस थी यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, और जो हमारा इंट्रासेलुलर था उसमें ये जो सेल है इसी के अंदर ही फ्लूइड अगर आ रहा है तो हम इसे इंट्रासेलुलर कहते हैं। इसमें अगर फ्लूइड, ये सेल फिर स्वेलअप हो जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रासेलुलर में क्या हो रहा है, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस थी ना इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉजेस एबनॉर्मल लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरी टू इंटरस्टिशियल स्पेस, एंड सेकेंड कॉज इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल विच प्रिवेंट्स फ्लूइड रिटर्न फ्रॉम इंटरस्टिशियम टू ब्लड। नॉर्मली जो टिश्यू फ्लूइड जो यहाँ पे एक्सेसिव फॉर्म हो जाता है उसे लिम्फेटिक वेसल जो है वो लेकर चले जाती है थ्रू द लिम्फेटिक चैनल, और जो फ्लूइड था उसका ड्रेनेज हो जाता है। लेकिन अगर ये लिम्फेटिक वेसल में ही ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जैसे कि फाइलेरियासिस, लिम्फेटिक वेसल में ही ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ये जो फ्लूइड था ये वापस नहीं जा पाएगा, तो इसमें भी हमें एक्स्ट्रा सेलुलर इडिमा देखने को मिलेगा। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन जिसमें हमें एक्स्ट्रा सेलुलर इडिमा देखने को मिलेगा, सो फर्स्ट इज हार्ट फेलियर, रीनल डिजीज, डिक्रीज अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंक्रीज इंडोथेलियल परमेबिलिटी। हार्ट फेलियर की कंडीशन मतलब हमारा हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर रहा है, तो जो हमारी जो बॉडी के जो सेल है उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है और उनकी जो इंटीग्रिटी है वो पूरी लॉस्ट हो जाएगी, तो इसके कारण हमें इडिमा देखने को मिलेगा। अगर रीनल डिजीज़ है उसमें भी, या फिर प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाए। प्लाज्मा प्रोटीन नॉर्मली बाहर नहीं जाते हैं, जो हमारे प्रोटीन्स रहते हैं ये फिल्टर्ड आउट नहीं होते हैं, लेकिन अगर यहाँ एंडोथेलियल लाइनिंग जो है इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाए तो ये प्लाज्मा प्रोटीन भी लीक आउट करने लगेंगे। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन जो है कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर जो है हमारा
वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो फ्लूइड क्या हो जाएगा, बाहर लीक आउट हो जाएगा। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो लिम्फ का क्लियरेंस नहीं होगा, या फिर इंक्रीज एंडोथेलियल परमेबिलिटी, मतलब ये जो कैपिलरीज में जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है उसकी परमेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो भी हमें इडिमा देखने को मिलेगा। नॉर्मली जो प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड है वो बैलेंस कौन करता है, दो प्रेशर बैलेंस करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि फ्लूइड से लगता है और ऑन्कोटिक प्रेशर जो कि प्रोटीन से लगता है। अगर ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाए और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए तो क्या होगा, फ्लूइड बाहर की तरफ लीक आउट होगा एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इडिमा। तो क्या हुआ है, कैपिलरी एंडोथेलियल लाइनिंग में क्या हो गई, इंजरी हो गई है, जो हमारी ये कैपिलरीज थी, ये जो हमारी कैपिलरीज थी इसमें क्या हो गई, इंजरी हो गई है, इसमें जो एंडोथेलियल सेल्स है उसमें इंजरी हो गई है। अगर मतलब कैपिलरीज में हाइपोक्सिया हो गया या फिर ड्रग्स आ गए तो इसमें इंजरी हो गई, तो इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो मतलब इधर का जो प्लाज्मा था वो क्या हो गया, लीक आउट कर गया है बाहर। तो कैपिलरी एंडोथेलियल इंजरी बाय टॉक्सिन, एनोक्सिया और ड्रग्स, तो उसके कारण क्या हो गया, एंडोथेलियल गैप हो गया, मतलब जो एंडोथेलियल सेल्स है उनके बीच में क्या, स्पेस बढ़ गया, तो स्पेस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई और प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो गए, वहाँ से बाहर फिल्टर्ड आउट हो गए। नॉर्मली जो रहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर्ड आउट नहीं होते, लेकिन जो एंडोथेलियल सेल्स है उनके बीच में गैप हो गया तो ये प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ से निकल गए, तो ऑन्कोटिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और क्या हो गया,